जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर मालवी चौक में राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। वहीं जमकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शहीद वीर सावरकर पर जिस प्रकार से बयान दिया है उसको लेकर पूरे देश में युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि वीर सावरकर अंग्रेजों से पैसा लेते थे। इस बयान का भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा हमेशा से ही राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए काम किया जाता है, जबकि शहीद वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि दो बार काले पानी की सजा काट चुके थे। राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से शहीद वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की गई है वह पूर्णतः गलत है। इसलिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज पूरे देश में राहुल गांधी के इस बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जबलपुर के मालवी चौक पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। आज यहाँ राहुल गांधी जी का पुतला जलाया गया है, क्या कारण क्या? आज राहुल गांधी ने भारत तोड़ो यात्रा वो लोग जो चला रहे हैं, असल में हम लोग देखेंगे आज कर्नाटक में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वीर सावरकर जी के आज़ादी में उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है ऐसे विषयों को लेकर उन्होंने अनर्गल टिप्पणियां की हैं। तो आज राहुल गांधी का इस विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे जब से उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा का कवर लेके भारत को तोड़ने का, भारत का विभाजन करने का एक एंटी इंडिया एजेंडा पूरे देश भर में चलाया हुआ है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन है। आज उसके अनुसांगिक संगठन लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको दो बार काला पानी की सजा हुई, दो बार उम्र कैद की सजा हुई। जब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की तो अभी तक आपने देखा है कि किस तरीके से वामपंथी फोर्सेस के चलते हमारी शिक्षा नीति प्रभावित थी, मैकाले शिक्षा नीति हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब इंडियनाइजेशन जब हमारी शिक्षा नीति का हो रहा है तो राहुल गांधी को उससे प्रॉब्लम है। आप पाएंगे कहीं ना कहीं गांधी परिवार स्वतंत्रता के नाम पर अपनी मोनोपोली बनाए रखना चाहता, अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहता है और इसी के कारण बार बार स्वतंत्रता सेनानियों की उपेक्षा उनके द्वारा की जाती है। आज इसके विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है और आगे यदि इस तरीके से एंटी इंडिया एजेंडा उनके द्वारा चलाया गया तो हमारा ये आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा। ये उनके लिए आज हमारी चेतावनी भी है। मानसिकता के साथ अपनी भारत तोड़ो यात्रा कर रहा है उसको ये चेतावनी देना चाहता है युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस संस्कारधानी से कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसने जैसे हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए कुछ भी गलत अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन है, विश्व का ऐसा संगठन जो कई देशों में अपना काम कर रहा है, उस संगठन के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहा है, उस राहुल गांधी को हम युवा मोर्चा के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो इस हिंदुस्तान में तुम्हें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। भारत को तोड़ने के इस प्रयास का हम सब ने पुतला दहन करके इसकी भर्त्सना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।